Hi everyone, I am Megha. Welcome to Socio on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on objectivity and subjectivity. So yes, it is very important for all the students who are preparing for sociology examinations like NET or the persons who are in BA and MA. So if you like my video, then guys, please like, share and subscribe. And don't forget to give your precious feedback in the comments section. So yes, let's start. Now let's see what is objective. Objective refers to an unbiased and balanced statement that represent facts about something. ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को ठीक है अनबायस्ड तरीके से देखते हैं, कोई हम लोग के उसमें पास्ट एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं होता, हम किसी को प्री जज नहीं करते, हम न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, कोई अपने उसमें व्यूज़ अपनी फीलिंग्स इमोशंस इंक्लूड नहीं करते. द स्टेटमेंट इज़ नॉट कलर्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, prejudice, perceptions, desires और knowledge of the speaker. मेरा क्या perception है लोगों को लेके, मेरे क्या views हैं, ठीक है, या क्या past experience हैं उस चीज़ को लेके, वो हम लोग उस चीज़ में आने नहीं देते. Therefore, they are independent and external to the mind of specific person. Like for example, अगर कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, तो जब वो रिसर्च करने जाता है तब वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल में रखता है, ठीक है, तभी वो एक सही तरीके से रिसर्च कर सकता है. अगर हम अपनी फीलिंग्स इमोशंस अपने व्यूज़ अपने एक्सपीरियंस और अपने परसेप्शंस अगर उसमें डालने लगें तो हमारा जो रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगा. सो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होता है. तो बेसिक डिफरेंस यही है, ऑब्जेक्टिविटी में आप न्यूट्रल रहते हो, अनबायस्ड रहते हो, और सब्जेक्टिविटी में आप अपने इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने व्यूज़ बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस बता सकते हो, अपने परसेप्शंस बता सकते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. बस यही बेसिक डिफरेंस है. देयरफॉर दे आर इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल टू द माइंड ऑफ स्पेसिफिक पर्सन. एज द इंफॉर्मेशन इज एंटायरली फैक्ट बेस्ड, इट कैन बी ऑब्जर्वेबल, क्वांटिफाइबल एंड प्रूवेबल. इसलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है. जैसी चीज़ है हम उसको वैसे ही देख रहे हैं, हम कोई अपने इमोशंस फीलिंग्स उसमें नहीं डाल रहे हैं. एंड दे कैन बी ऑब्जर्वेबल, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं. इट कैन बी काउंटेड, डिस्क्राइब, इमीडिएट. इट प्रेजेंट्स कंप्लीट ट्रूथ एंड फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस, सो इट प्रूव्स हेल्पफुल इन रेशनल डिसीजन मेकिंग. इसलिए इस चीज़ को बोला गया है कि ऑब्जेक्टिविटी में जब हम कोई रिसर्च करते हैं और जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग फैक्ट्स देखते हैं वो एकदम सही होते हैं, उसमें कोई हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है. एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस, इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंसेस से भी वो फ्री है, क्योंकि जो चीज़ जैसी है हम उसको वैसा ही देख रहे हैं, हम उसमें अपना कोई दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने कोई फीलिंग्स इमोशंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एट द एंड उसको लास्ट में एकदम करेक्टली प्रूव कर सकते हैं. और रेशनल डिसीजन मेकिंग में ईजी होता है, ठीक है, हम उसको रीज़न दे के प्रूव कर सकते हैं. Now next is definition of subjective. Subjective means those ideas or statement which are dominated by personal feelings, opinion, preferences of the speaker. यहाँ पे subjective में objective से just opposite हो जाएगा. जहाँ पे आप अपने ideas, अपनी feelings, अपने emotions, अपने opinion, अपने preferences बताते हैं, ठीक है, जैसे हमारे अगर एक हम example लें तो class में हमारा favorite teacher कौन है, ठीक है. अब फेवरेट जो टीचर है या फेवरेट जो लेक्चरर है वो सबका अलग अलग है, यहाँ पे वो चीज़ सबकी सेम नहीं है. लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं और उसका जो एट द एंड रिज़ल्ट आता है, अगर ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू हम देखें तो सबका सेम आएगा, ठीक है. लेकिन अगर हम सब्जेक्टिविटी के थ्रू देखें तो सबका अलग अलग है, क्योंकि लोगों की फीलिंग्स इमोशंस, लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स सबके अलग अलग होते हैं, तो वो चीज़ सेम नहीं हो सकती. इसलिए हम रिसर्च में हमेशा ऑब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी पे बात नहीं होती रिसर्च में, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स नहीं दे सकते हो, वरना आपके रिजल्ट्स जो हैं रिसर्च के वो बिल्कुल गलत आएंगे. सो इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ और रियलिटी फ्रॉम स्पीकर्स एंगल्स. यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग लाइक स्पीकर की एंगल से चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, हम अपने पर्सनल व्यूज़ उसमें डाल रहे हैं, पर्सनल फीलिंग्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स सब चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं. तो ये इट्स फ्रॉम स्पीकर्स एंगल्स दैट इन्फॉर्म एंड इफेक्ट्स द जजमेंट ऑफ पीपल एंड इट इज़ ऑलवेज बायस्ड. इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा बायस्ड होती हैं, और ऑब्वियसली बायस्ड होंगी भी, क्योंकि हमारे इसमें व्यूज़ बिलीफ ओपिनियंस सब कुछ इंक्लूड हो रहे हैं. सो इट कैन बी बिलीफ ओपिनियन रूमर अजम्पशन सस्पिशन दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीकर स्टैंड पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज़ स्पीकर के, ठीक है, रिसर्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख रहे हैं. वहाँ पे हम चीज़ जो जैसी है, जैसी की तैसी है, उसी को हम लोग एज इट इज़
व्यू कर रहे हैं उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। अब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कैरेक्टराइज बाय पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड डिजायर्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड होगा, आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका किसी चीज़ को लेके परसेप्शन क्या है, ठीक है, व्हाट आर योर डिज़ायर्स हर एक पर्टिकुलर इंसान का, स्पेसिफिक पर्सन का। दीज स्टेटमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन आइडियाज़ और ओपिनियन ऑफ पर्सन मेकिंग इट, एज देर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई कुछ है ही नहीं। जो चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग फील कर रहे हैं, हमारे जो ओपिनियंस हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रूथ की बात तो होती नहीं, ट्रूथ की बात हमेशा किस में होगी, ऑब्जेक्टिविटी में होगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, लास्ट में हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें हमारे जो भी व्यूज़ हैं, ठीक है, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे नॉलेज है, परसेप्शंस है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है, तो यस वी कैन प्रूव दैम। सो नाउ वी सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, फर्स्ट इज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू, रियल, अनबायस्ड एंड बैलेंस्ड इज एन ऑब्जेक्टिव वन। जहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट हो वो एकदम न्यूट्रल हो, सच्चा हो, ट्रू हो, रियल हो, अनबायस्ड हो, कोई उसमें आपकी फीलिंग्स इमोशंस मिक्स ना हो, सो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्टिव वन। सब्जेक्टिव में जस्ट अपोजिट, सब्जेक्टिव मीन्स समथिंग विच डू नॉट शो द क्लियर पिक्चर और इट इज़ जस्ट पर्सन आउटलुक और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। सब्जेक्टिव में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे कोई क्लियर पिक्चर शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ पे हम पर्सनल आउटलुक की बात कर रहे हैं, पर्सन की परसेप्शन की बात कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन, उसके ओपिनियन की बात कर रहे हैं। एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होते हैं? फैक्ट, जो चीज़ सच है, ठीक है, जो तथ्य है वो एकदम फैक्ट्स की बात करते हैं, जो चीज़ सच है उसकी बात करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। ऑन अदर हैंड अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स रिलाइज ऑन अजम्पशंस, बिलीव्स, ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंस बाय इमोशंस एंड पर्सनल फीलिंग। और दूसरी तरफ हम देखें जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, किस पे रिलाई करते हैं? हमारे अजम्पशंस पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे बिलीव्स से, हमारे ओपिनियन पे, ठीक है, पर्टिकुलर इंसान की फीलिंग्स इमोशंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज प्रूवेबल, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। जो फैक्ट्स हैं जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जो ट्रू हैं वो हम उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट, दैट इज़ द पर्सन मेकिंग इट। लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आती है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट की बात आती है, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारे हमारे पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वी कॉन्ट मेजर इट। नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कैन बी चेकड एंड वेरीफाइड। ये हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कितने भी लोग सेम चीज़ पे काम करेंगे तो एज इट इज़ रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि जब आपने वहाँ पे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस यूज़ नहीं किए हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो सबके एक जैसे आएंगे, हम उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। 10 लोग भी अगर उस पर काम करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के साथ तो 10 लोगों के रिजल्ट सेम आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। सब्जेक्टिव इज जस्ट अपोजिट, अनलाइक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट और सीरीज ऑफ बैलेंस्ड ओपिनियन, सो दे कांट बी चेकड एंड वेरीफाइड। हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक पर्सन के व्यूज़, इमोशंस, ओपिनियन एक जैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबके जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, अलग अलग है। आपके कॉलेज में आपका फेवरेट टीचर है तो ज़रूरी तो नहीं है दूसरे वाले पर्सन का भी वो सेम ही हो, ऑब्वियसली नहीं। हमारे जो हम एक्टर्स की बात करते हैं, सबके जो एक्टर्स हैं वो फेवरेट जो एक्टर्स हैं सबके अलग अलग हैं, ठीक है, सबके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग हैं। आपको जो फूड अच्छा लगता है, किसको फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, किसी को इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, सबके लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं जो चीज़ सबकी अलग अलग है? देन वेन अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑब्जेक्टिव, इट रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग इट। देखो, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जो एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है ऑब्जेक्टिविटी में, वो सेम होती है सबकी, चाहे वो कोई भी पर्सन उसको कलेक्ट करके लिखा है, ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू आपने वो चीज़ करी है तो वो सबकी सेम आएगी। बट कन्वर्सली अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो होगा वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबके व्यूज़, ओपिनियन, एक्सपीरियंस से हैं, वो सबके अलग अलग हैं, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होगा, ठीक है, आपकी चॉइसेस अलग हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, तो आपकी हमारी जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगी वो हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर डिसीजन मेकिंग विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। देखो, जब ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जो अनबायस्ड है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिसीजन एक ले सकते हो, ठीक है, जो चीज़ सबकी सेम आ रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आपकी डिसीजन मेकिंग हो सकती है,
जो चीज़ सबकी सेम है उस पर हम एक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ सबकी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग है, उस पर हम पर्टिकुलर डिसीजंस ले ही नहीं सकते। ओवरऑल जो डिसीजन होता है वो हम सब्जेक्टिव स्टेटमेंट में नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट पे हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि सबकी सेम है, तो ओवरऑल हम लोग उसको कंक्लूड करके एक डिसीजन ले सकते हैं। नाउ लास्ट इज, यू कैन फाइंड द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इन हार्ड साइंस टेक्स्ट बुक एंड एनसाइक्लोपीडियाज। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमारी साइंस, हमारे टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, हमारे ये एनसाइक्लोपीडियाज, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सबकी सेम है, ठीक है, एक ही चीज़ों पर बात कर रहे हैं, सबकी सेम हो रही है, सब जो उसको देखेंगे वो सबका सिमिलर ही आएगा, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया पे जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, अगर थर्ड पर्सन भी सर्च करता है तो वो सेम ही आएगी उसकी। बट सब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज़ यूज इन ब्लॉग्स, बायोग्राफीज एंड कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम ब्लॉग्स देखते हैं, लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग हम अलग अलग पर्सनालिटीज़ की बायोग्राफीज़ होती हैं, ठीक है, हम सोशल मीडियाज पे कमेंट करते हैं अलग अलग, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने फीडबैक दीजिए, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है, क्या उसमें चेंजेस आपको चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो सबके जो कमेंट्स आएंगे वो सबके अलग अलग आएंगे, तो दैट इज़ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। आपके जो फीडबैक आते हैं मेरे पास, आप जो कमेंट करते हैं वो सबके अलग अलग आते हैं, ठीक है। कोई बोलता है कि वीडियोस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, कोई अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट करता है, ठीक है, तो वो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने व्यूज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, कोई पर्सन आपको ज़्यादा पसंद है आप उस पर अच्छे कमेंट्स करेंगे, कोई पर्सन आपको नहीं पसंद है आप उसके नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले पर्सन को वो पर्सन नहीं पसंद है तो वो उसके लिए नेगेटिव कमेंट करेगा, आपको बंदा पसंद है तो आप उसके लिए पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये अपने अपने व्यूज़ होते हैं, ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट में चलते हैं। सो कंक्लूजन, एट द एंड ऑफ डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इज़ वन दैट प्रोड्यूस द कम्प्लीट ट्रूथ, दैट इज़ प्रेजेंट अ स्टोरी फ्रॉम ऑल द एंगल्स इन अ सिस्टमेटिक वे। जो हम इससे कंक्लूड कर रहे हैं वो ये है कि ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। अगर हम लोग उसको सभी एंगल से देखें, ठीक है, तो वो एक ही स्टोरी प्रेजेंट कर रही होती है, और वो भी सिस्टमैटिक वे में। इट इज़ अ फैक्ट विच इज़ प्रूवेबल ट्रू, उसको हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सब लोगों की बातें एक जैसी हैं, ठीक है। सब लोग अपने इमोशंस, फीलिंग्स कंट्रोल करके रिसर्च करें तो सबकी एक जैसी आएगी, और हम लोग उस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं उस चीज़ पे। नाउ नेक्स्ट इज, ऑन कॉन्ट्ररी, सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इज कलर्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ पर्सन प्रोवाइडिंग। लेकिन जो सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है वो सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग पर्सन के थ्रू आ रही है, ठीक है। अलग अलग लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 तरीके की बातें, 10 तरीके के व्यूज़ उनकी, 10 तरीके की उनकी सोच, अलग अलग सोच, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू आ रही है, हर एक पर्सन के थ्रू। इट इज़ अ ग्रेट इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ऑफ फैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव्स एंड फीलिंग्स। ये किस पे बेस्ड है? आपके पर्सनल बिलीफ्स पे, आपके क्या ओपिनियंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उस पे बेस्ड है। तो इट इज़ अ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ऑफ फैक्ट। यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो सबकी फीलिंग्स के, बिलीव्स, आपके पर्सपेक्टिव्स का एनालिसिस हो सकता है, बट हाँ, हम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। प्रूव हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट पे करते हैं। सो यस गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि बीए जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उसको इजी वे में आपको वीडियो बना के आपके लिए डाल सकूँ और आपको उसकी हेल्प हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी द नेक्स्ट वीडियो।